मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने मुमरा के रहमानिया अस्पताल को कोविड-19 के लिए घोषित किया था, मगर अब मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने जानकारी दी है कि रहमानिया अस्पताल को कोविड-19 के लिए घोषित किया गया था, मगर डायलिसिस के मरीजों को तकलीफ होगी इसलिए कैंसिल कर दिया गया है और रहमानिया अस्पताल में सिर्फ डायलिसिस और अन्य मरीजों का इलाज होगा, सिर्फ कोरोना मरीजों को छोड़कर। आपको बता दें, मनपा ने जब रहमानिया अस्पताल को कोविड-19 के लिए घोषित किया था तभी से डायलिसिस के मरीज और सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे थे। डायलिसिस के मरीजों का कहना था कि डायलिसिस सिर्फ रहमानिया में ही कराएंगे क्योंकि उन्हें हर तरह की सुविधा रहमानिया अस्पताल में मिलती है। खबरें चलने के बाद जनप्रतिनिधि और मनपा प्रशासन इस पर गंभीरता दिखाई और कलवा मुमरा के आमदार जितेंद्र आवाड ने मनपा कमिश्नर से इस पर बात की, जिसके बाद नगर सेवक शानू पठान और मनपा कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने डायलिसिस के मरीजों से रहमानिया अस्पताल पर मुलाकात की और जानकारी दी कि रहमानिया अस्पताल को कोविड-19 के लिए घोषित किया गया था मगर अब कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद डायलिसिस के मरीजों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। नगर सेवक शानू पठान और मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने क्या जानकारी दी है वो भी आपको सुनाएंगे और डायलिसिस के मरीजों ने खुशी जाहिर करते हुए क्या कहा है वो भी सुनिए। शानू भाई, अभी क्या फैसला हुआ है? जिस तरह से डायलिसिस के मरीजों को यहाँ पर डायलिसिस किया जा रहा था लेकिन इसे कोविड-19 के लिए घोषित किया गया था, तो अभी आप लोग मनपा से बात किए तो क्या फैसला हुआ है? देखिए, जो पेशेंट के यहाँ पे दिक्कत थी वो सुनने के बाद मैंने माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से बात किया, फिर उनके पास गया और उनके पास जाने के बाद ये पेशेंटों की जो समस्या है वो सारी बताए। उनको ये भी मालूम है कि कोविड के लिए हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन साथ ही में डायलिसिस पेशेंट की हम लोग ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। ये सारी बातें उनको बताने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि खाल से रहमानिया को कोविड से हटा दिया जाएगा। उन्होंने मेरे सामने TMC में बात की और आदेश दिया कि जाके रहमानिया को कोविड से हटा के हम दूसरे कोई हॉस्पिटल को कोविड को शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन डायलिसिस के पेशेंट को ऑलरेडी हमने पहले ही हटा दिए, हम उनको ऐसा नहीं छोड़ सकते। इसीलिए माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने कमिश्नर साहब से बात की और उनको आदेश दिया कि इसको कोविड से कैंसिल किया जाए। और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो इंचार्ज है आयर साहब और गोसावी साहब को बोला कि तुम इसके निर्देश महापालिका में भी दे दो और हॉस्पिटल में भी दो। इसलिए हम साथ में आए और हॉस्पिटल में इसकी जानकारी देने के लिए कि सिर्फ रहमानिया हॉस्पिटल नॉन कोविड पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट के लिए रहेगा, कोविड में नहीं होगा। थैंक यू। गोसावी सर, क्या TMC ने इसे जो कोविड-19 के लिए घोषित किया था क्या उसे हटा दिया गया है, अब कैंसिल कर दिया गया है? कल जो TMC ने डिक्लेयर किया था तो ये लोग सब कल हमारे पास आए थे, कम से कम 200 लोग थे, तो वो डायलिसिस के पेशेंट थे। तो इतना कोविड को बचाना, कोविड को पेशेंट को संभालना जरूरी है, उतना ही डायलिसिस के पेशेंट को संभालना जरूरी है। ये बात अपने मंत्री साहब श्री गृह निर्माण मंत्री श्री आवाड़ साहब को मैंने भी बोला, शानुभाई ने बोला, तो और कई जगह अपन 20 बेड का हॉस्पिटल ढूंढ के उधर कोविड करेंगे और ये डायलिसिस बहुत जरूरी है लोगों के लिए, इसके लिए साहब ने बोला इसको डायलिसिस का और अदर तो जो नॉन कोविड जो पेशेंट है इसमें एडमिट हो जाएंगे और रात को ही इमरजेंसी में अपन 20 कॉट कालसे कर्मी बढ़ाया है कोविड के लिए और सब सामान भी उनको दे दिया है, तो पेशेंट का तकलीफ नहीं होने के लिए अपन और एक हॉस्पिटल ढूंढ के उधर 20 हॉस्पिटल के चॉइस भी किया, हम नाम नहीं बोलेंगे, हम शानु भाई और हम उधर सर्वे करके आएंगे और कल तक वो भी अपन डिक्लेयर करेंगे वो हॉस्पिटल। लेकिन बुरहानी और रहमानिया को डायलिसिस पेशेंट और नॉन कोविड के लिए छोड़ दिया। स्पेशली प्रहार टाइम्स का और मेरे जितने भी मीडिया है सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हम लोग का प्रोटेस्ट, जो हम लोगों ने डायलिसिस के लिए इतना हम लोगों ने मगजमारी की है तो उसके लिए आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग का बहुत बहुत सराहना अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमको यहाँ तक के हम लोग को पहुँचाया आप लोगों ने कि हमारी रहमानिया हॉस्पिटल के अंदर जो डायलिसिस
बंद होने की कगार के ऊपर था कि हम लोगों ने वापस दोबारा आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने वापस शुरुआत करें आप लोग के माध्यम से आप लोग के पूरे मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत की। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से COVID-19 के लिए इस हॉस्पिटल को घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद अब थाने महानगर पालिका ने इसे कैंसिल किया है क्योंकि यहाँ पर डायलिसिस के मरीज थे, तो अब आप लोगों को इस पर खुशी है? जी बिल्कुल खुशी है, बिल्कुल खुशी है, क्योंकि जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनकी क्या तकलीफें हैं वो खुद जानता है उनको, और उनके जो ऊपर जो रिलेशनल्स है उनको क्या तकलीफ है वो खुद जानते हैं। हाँ, तो ये तो खुशी की बात है भाई। यहाँ से अगर थाना जाना पड़ता है या कहीं पे भी डोंबिवली जाना पड़ता है, वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, उसके बाद में जो आने जाने का जो किराया है, हाँ, और वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पेशेंट्स को तकलीफ कितनी होती है। जब डायलिसिस खत्म होता है उसके बाद में पेशेंट अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, ये हॉस्पिटल व्हीलचेयर के ऊपर उनको लाना पड़ता है। आराधना मैडम के बाद में हमारे ये दो का भी हाथ है, तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती इतनी। आराधना मैडम के बाद में ये दो हमारे सपोर्ट थे, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे लिए, और हमारी पूरी टीम जितने भी हैं पूरे रहमानिया के सब हमारे साथ खड़े थे, और सबका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, और आप लोगों का भी कि जो आप हमारे साथ मीडिया के माध्यम से सब हुआ। आप लोगों ने जितेंद्र अवार्ड से अपील की थी उसको लेकर क्या कहे? जितेंद्र अवार्ड साहब से तो अपील की थी, वो तो थे ही मुमरा के, हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और आज भी खड़े रहे, आज खड़े रहेंगे हम लोगों के साथ, हमारे लिए उन्होंने कुछ किया, हम लोग उनके लिए बहुत शुक्रिया है, और अल्लाह उनको ऐसी हमारे लिए खड़ा रखे हमेशा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।